नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह और आज बात करेंगे माँ मठियाना देवी मंदिर की। यह मंदिर रुद्रप्रयाग जिले के भरदारपट्टी में मठियाना खाल में स्थित सिद्धपीठ माँ भगवती मठियाना देवी मंदिर है। इस मंदिर में पहुँचने के लिए आप दो तरह से विजिट कर सकते हैं। पहला, रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा होते हुए आप यहाँ पहुँच सकते हैं। दूसरा, श्रीनगर कीर्तनगर बड़ियारगढ़ होते हुए आप यहाँ पहुँच सकते हैं। यह मंदिर माता सती का काली रूप है तथा यह स्थान देवी का सिद्धपीठ है। यह मंदिर अपने आप में आस्था और विश्वास का प्रतीक है। मठियाना माँ उत्तराखंड की सबसे शक्तिशाली देवियों में से एक मानी जाती है और रुद्रप्रयाग और भरदारपट्टी की एक रक्षक भी मानी जाती है। यह मंदिर चारों ओर से बांज, बुरांस, चीड़ के जंगलों से घिरा हुआ है। इसके आंगन में एक कुंड भी है जिसमें यज्ञ किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस मंदिर में हर साल नवरात्रियों में मेला लगता है, जहां हर साल लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। इस मंदिर के आंगन में फूल, पेड़ पौधे इस मंदिर की प्रतिष्ठा को और भी मनोनीत या मोहित कर देती है। इस मंदिर के कपाट हर साल नवरात्रियों में ही खोले जाते हैं तथा इस मंदिर में 3 साल में जल यात्रा भी होती है, जिसमें हजारों गांव के लोग भाग लेते हैं। माता मठियाना के बारे में कहा जाता है कि जब माता अग्नि में सती हुई तो भगवान शिव उनके शरीर को लेकर भटक रहे थे, तो तब भगवान विष्णु ने उनके शरीर को कई हिस्सों में काट दिया। तब माता सती के शरीर का एक भाग यहाँ घिरा, जो कि बाद में माता मठियाना देवी कहलाया। वहीं दूसरी तरफ एक अन्य मान्यता के अनुसार कई लोगों का कहना है कि लगभग आज से 150 साल पहले मठियाना माँ सिरवाड़े राजवंशों की ध्यान यानी की बेटी थी, जिसका विवाह भोट यानी तिब्बतियन राजकुमार से हुआ था। लेकिन उसकी सौतेली माँ ने अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलकर उसके पति को मार डाला और तिलवाड़ा के सूर्यप्रयाग में उसके पति को जला डाला। जब यह खबर देवी को पता चली तो वह सती हो गई। लड़की के सती होने पर देवी प्रकट होती है और सभी हथियारों से बदला लेती है। कहते हैं कि माँ मठियाना काली के इस अवतार ने भक्तों के कल्याण के लिए मठियाना खाल में विराजमान हो गई। माँ मठियाना के इस मंदिर से माँ मठियाना के इस मंदिर में कहा जाता है कि जब भी कोई यहाँ से मनोकामना लेता है तो जब वह मनोकामना पूर्ण होती है तो वह वहाँ मनोकामना पूर्ण होने के बाद घंटी चढ़ाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तथा घंटियों में अपना नाम अंकित करता है। यहाँ ऐसे ही हजारों घंटियाँ हैं जो माँ मठियाना के मंदिर को और भी सुंदर बना देती है। यहाँ चारों ओर
बांज, बुरांस, चीड़ आदि के वृक्ष हैं। साल में दो बार ही माँ के कपाट खुलते हैं, वो भी हर साल नवरात्रियों में। शीतकाल में यहाँ थोड़ा बहुत बर्फबारी भी होती है। माता मठियाणा का यह मंदिर अपने आप में आस्था का मंदिर है तथा यह मंदिर माता का एक काली रूप भी है। माँ मठियाणा की कृपा है कि हर साल यहाँ श्रद्धालु अपनी मनोकामना के लिए आते हैं। इस मंदिर के दोनों साइड शमशान घाट यानी कि मुर्दा घाट भी है, जहाँ पे मुर्दाओं को जलाया जाता है। माँ के आंगन में सुंदर फूल भी हैं जो इस मंदिर को और भी सुशोभित कर देते हैं। भरदार पट्टी का रक्षक भी है। धन्यवाद।